गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास 8th के सेकंड चैप्टर जो कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है उसकी सेकंड एक्स सॉरी 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगा। ये ऑलरेडी मैंने 3 क्वेश्चन की वीडियो बना के मैंने ऑलरेडी डाल दी है, आप देख सकते हैं ऊपर इसको। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। ठीक है, पहले सॉल्व करना है फिर उसका चेक करना है रिजल्ट। बहुत आसान है, हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। क्वेश्चन था 4z + 3 = 6 + 2z। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल वाली टर्म है और ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये एक साथ सॉल्व होंगी क्योंकि z यहाँ पर है, z यहाँ पर, ये लाइक टर्म्स हैं। 4z कॉपी हो गया, ये जब जंप मार के इधर गया इसका साइन क्या प्लस का था, माइनस हो गया, माइनस 2z हो गया, इक्वल टू आया 6, यहाँ कॉपी हो गया। 3 को उधर लेके जाएंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ये होगा -3। ठीक है, 4z - 2z, तो 2z आ गया आंसर, पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि 4 बड़ा है। 6 - 3 3 आ गया, पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि 6 क्या हमारा बड़ा है दोनों में से। अब z = 3/2 हमारा आंसर आ गया क्योंकि इसके बाद हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा। अब हम चेक करते हैं, चेकिंग योर रिजल्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने यहाँ कॉपी करा है, ठीक है, जहाँ कहीं भी जेड है वहाँ पर हमने 3/2 डाल दिया। जैसे 4 यहाँ से आया था इंटू जेड की वैल्यू क्या 3/2 डाल दी, +3 = 6 + 2 × 3/2 क्योंकि z की वैल्यू 3/2 है। अब 2 1 2 2 2 4 होता है, बाकी ऐसे यहाँ पर 2 1 2 1 कट गए। ठीक है, अब 2 3 6, ठीक है, +3 = 6। अब यहाँ 1 × 3 3 आ गया, 1 नीचे का हम शो नहीं करते हैं। सो 6 + 3 = 9 और 6 + 3 = 9, दैट मीन LHS = RHS आ गया। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके बेल बटन पे क्लिक करें, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, ओके, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, बाय बाय।